फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टूडियोस। अब सीखे फटाफट यूट्यूब चैनल पे मैं आपका अपना इंजीनियर प्रताप लेके हाजिर हूँ मॉर्निंग करंट अफेयर्स का वीडियो। आज है 11 सितंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले नए देखने वाले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। पहला क्वेश्चन आज का, किस राज्य ने SBI के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को अपना आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश राज्य ने। बात करें आंध्र प्रदेश सरकार ने रजनीश कुमार को अपना आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। SBI के पूर्व चेयरमैन रजनीश कुमार का कार्यकाल 2 साल के लिए होगा। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं रजनीश कुमार जी। चलिए आपको आंध्र प्रदेश के बारे में बताते हैं। आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री YS जगनमोहन रेड्डी जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें गवर्नर की तो श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी। कैपिटल हैदराबाद, प्रस्तावित कैपिटल है अमरावती। फर्स्ट CM तंगुत्री प्रकाशम जी। फर्स्ट गवर्नर चंदूलाल माधवलाल त्रिवेणी जी। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 11, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 13। बात करें फेमस यहाँ पे तिरुपति टेम्पल और जियांट नंदीबुल है। हाईकोर्ट आंध्र प्रदेश में है, चीफ जस्टिस अरुण कुमार गोस्वामी जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में आंध्र प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी डोस को ज्वाइन करना ना भूलें। वहाँ आपको इस वीडियो का PDF मिल जाएगा। PDF को ओपन करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के किस गोल्फर को खेल में शानदार उपलब्धियों के चलते दुबई का प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा प्रदान किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जीव मिल्खा सिंह जी को। बात करें पद्मश्री विजेता व इंटरनेशनल गोल्फर जीव मिल्खा सिंह ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। देश के स्टार गोल्फ खिलाड़ी को बड़ा सम्मान मिला है। जीव मिल्खा सिंह को दुबई का 10 साल का गोल्डन वीजा मिला है। ऐसा करने वाले जीव मिल्खा सिंह पहले गोल्फर बने हैं। बात करें जीव मिल्खा सिंह उड़न सिंह मिल्खा सिंह के बेटे हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं जीव मिल्खा जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। किस मंत्रालय ने बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम शुरू किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संस्कृति मंत्रालय ने। बात करें केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी गंगापुरम ने IGNCA नई दिल्ली में केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं और उन बुजुर्गों के बीच बातचीत को बढ़ाना जिनकी उम्र 95 वर्ष और उससे अधिक है, और इस तरह उन्होंने आज़ादी से पहले भारत में लगभग 18 साल बिताए हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस राज्य के शासित प्रदेश ने बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली राज्य ने। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने 7 सितंबर 2021 को बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को व्यवसाय शुरू करने के लिए बीज धन यानी सीड मनी उपलब्ध कराकर स्कूल स्तर पर युवा उद्यमियों को विकसित करना है। यह कार्यक्रम उद्यमिता मानसिकता पाठ्यक्रम के तहत दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में लागू किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत कक्षा 11 और 12 के छात्रों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 2000 रुपये की बीज राशि प्रदान की जाएगी। चलिए आपको दिल्ली के बारे में बताते हैं। दिल्ली का गठन 1911 को हुआ था। बात करें दिल्ली का गठन 1911 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें उपराज्यपाल श्री अनिल
भैजन जी, फर्स्ट सीएम थे चौधरी प्रेम प्रकाश जी, फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर थे आदित्यनाथ झा जी। बात करें फर्स्ट लेडी सीएम की तो सुषमा स्वराज जी, लोकसभा सीट 7, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 11। बात करें दिल्ली हाई कोर्ट, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत आता है। चीफ जस्टिस हैं धीरू भाई नारायण भाई पटेल जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में दिल्ली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मन्नार की खाड़ी में ऊर्जा द्वीप यानी एनर्जी आइसलैंड बनाने के लिए तमिलनाडु ने किस देश के साथ भागीदारी की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क देश के साथ। बात करें तमिलनाडु और डेनमार्क ने मन्नार की खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना बनाई है जो श्रीलंका के पश्चिमी तट और भारत के दक्षिण पूर्व सिरे के बीच स्थित है। यह योजना इसलिए बनाई गई है क्योंकि तमिलनाडु हरित ऊर्जा क्षेत्र में अपने पश्चिम का विस्तार करना चाहता है। बात करें इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए डेनमार्क तमिलनाडु में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में 5 से 10 अरब डॉलर का निवेश कर सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग में आपातकालीन लैंडिंग सुविधा यानी इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान राज्य के। बात करें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने राजस्थान में एक राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया है। इस आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का निर्माण राजस्थान के बाड़मेर में राष्ट्रीय राजमार्ग NH 925A के सट्टा गंदौ खंड पर किया गया है। यह पहली बार है जब भारतीय वायुसेना के विमानों की आपात लैंडिंग के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग का इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए चलते हैं आपको राजस्थान के बारे में बात। राजस्थान का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री अशोक गहलोत जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्री कलराज मिश्र जी। कैपिटल है जयपुर। फर्स्ट सीएम थे हीरा लाल शास्त्री जी। फर्स्ट गवर्नर थे गुरुमुख निहाल सिंह जी। बात करें लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 10, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 33। राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है इंद्रजीत महांती जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में राजस्थान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दें, साथ ही में आप अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 7 है, G20 के लिए भारत के शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पीयूष गोयल जी को। बात करें वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है। G20 एक प्रभावशाली समूह है जो दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है। अगला G20 शिखर सम्मेलन 30 से 31 अक्टूबर 2021 तक इटली की अध्यक्षता के तहत होने वाला है। भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता करेगा और 2023 में पहली बार G20 लीडर समिति का आयोजन भी करेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में ग्रामीण संपर्क का विस्तार करने के लिए $300 के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र राज्य के लिए। बात करें एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने महाराष्ट्र राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए ग्रामीण संपर्क में सुधार लाने के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण के रूप में $300 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए आपको महाराष्ट्र के बारे में बात है। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री उद्धव ठाकरे जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्री भगत सिंह कोश्यारी जी। कैपिटल मुंबई। फर्स्ट सीएम यशवंतराव चौहान जी। फर्स्ट गवर्नर जॉन कॉलविल्ले जी। लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 36। बॉम्बे हाईकोर्ट महाराष्ट्र के न्यायिक क्षेत्र में आता है। चीफ जस्टिस हैं दीपंकर दत्ता जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में महाराष्ट्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस शहर में भारत का पहला कार्यात्मक
यानी फंक्शनल स्मॉग टावर लॉन्च किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी दिल्ली शहर में। बात करें केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने दिल्ली के आनंद विहार में भारत के पहले कार्यात्मक स्मॉग टावर का उद्घाटन किया है। स्मॉग टावर एक संरचना होती है जिसे वायु प्रदूषण को कम करने के लिए बड़े या मध्यम पैमाने के लिए एयर प्यूरिफायर के रूप में डिजाइन किया गया है। इस टावर का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा NBCC इंडिया लिमिटेड के साथ परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में किया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। रक्षा पर कैबिनेट समिति ने 8 सितंबर 2021 को एयर बस से कितने परिवहन विमानों को खरीद की मंजूरी दी है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 56 विमानों को। बात करें सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने 8 सितंबर 2021 को एयरबस से 56 परिवहन विमानों की खरीद को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय भारतीय वायुसेना के परिवहन बेड़े को एक बड़ा प्रोत्साहन प्रदान करेगा। C-295 MW परिवहन विमान खरीदने के इस सौदे पर 20,000 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च आएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। केंद्र सरकार ने 8 सितंबर 2021 को कपड़ा क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए की उत्पादन लिंक्ड यानी प्रोत्साहन PLI योजना को मंजूरी दी है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 10,683 करोड़ रुपए की। केंद्र सरकार ने 8 सितंबर 2021 को कपड़ा क्षेत्र के लिए 10,683 करोड़ रुपए की उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। घरेलू विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इस PLI योजना को मंजूरी दी गई है। यह योजना 7.5 लाख से अधिक लोगों के प्रत्यक्ष अतिरिक्त रोजगार सृजित करने में मदद करेगी। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हिमालय दिवस हाल ही में कब मनाया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 9 सितंबर को। बात करें हिमालय के संरक्षण को लेकर हर साल 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। हिमालय में बेशकीमती जड़ी बूटियां भी पाई जाती हैं। हिमालय दिवस की शुरुआत 9 सितंबर 2014 को उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने की थी। चलिए चलते हैं पिछले दिन के वन लाइन करंट अफेयर्स को रिवीजन करते हैं। बात करें हेमंत धानजी जो कि एक भारतीय मूल के हैं ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। बात करें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने हाल ही में INS हंस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया है। बात करें उत्तराखंड राज्य की राज्यपाल बेबी रानी मौर्या ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी के रूप में दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश एल सल्वाडोर बना है। बात करें विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। एक ADB ने तमिलनाडु राज्य में शहरी गरीबों के लिए एक वाहनीय आवासीय परियोजना के लिए $15 करोड़ के ऋण को मंजूरी दी है। हाल ही में श्रीलंका देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती खाद्य कीमतों मुद्रा मूल्यह्रास और तेजी से घटते विदेशी मुद्रा भंडार को रोकने हेतु आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है। हाल ही में ग्रीस देश की सरकार ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने के लिए एक नए मंत्रालय का गठन किया है। बात करें हरियाणा राज्य सरकार ने प्राण वायु देवता नाम से एक अनोखी पेंशन स्कीम की शुरुआत की। बात करें BCCI ने T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए MS धोनी को भारतीय टीम का मेंटर नियुक्त किया है। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ स्टडी क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन था किस राज्य के शासित प्रदेश ने केवल क्षेत्र के अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र धारकों को निवासी प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया है। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश ने। क्वेश्चन टू था बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी शैलेंद्र सिंह जी को। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। पहला क्वेश्चन है विश्व फिजियोथेरेपी दिवस हाल ही में कब मनाया गया। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। क्वेश्चन टू बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं 9 बार विधायक रहे किस कांग्रेस नेता का हाल ही में निधन
हो गया है। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। ऐसे ही डेली, वीकली और मंथली शॉर्ट जीके जीएस ट्रिकी वीडियोस के लिए आप अपने चैनल ऑनलाइन स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।